परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद यो असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाए जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसीलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए परमात्मा पाने की प्रेरणा पाकर। सारे जैसा भी हमें कोई मार्गदर्शक मिला, कोई गुरु मिला, उसके आधार से हमने भक्ति साधनाएं भी की, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। मनुष्य जीवन का मूल काम है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंग जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सु अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, और कोई 3 ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। तो परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमने कोई आधार मानना पड़ेगा। बगैर किसी आधार से हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हम किस चीज को आधार माने। अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे वो सभी यही कहते थे कि हम अपने जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इन पवित्र सदग्रंथों से हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं। अब जैसा उन्होंने वेद और गीता और पुराणों को जाना था वो ज्ञान हमारे पास था कि हमारे धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि वेदों में, गीता में, पुराणों में ऐसा लिखा है। उन्होंने क्या बताया था हमारे को कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सभी अजर अमर हैं, विष्णु और शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए, ये अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने ये ज्ञान दिया था हमें वेदों का नाम लेकर कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा हमें सुना रखी थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं लेकिन उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा होता है और हमारी जो बुद्धि होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि परमात्मा तो निराकार होता है। फिर कुछ एक ऐसा ज्ञान हमें मिला था कि श्री राम, श्री कृष्ण ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सारी सृष्टि के रचने वाले थे। फिर हम अगर साकार भगवान को मानने लगे तो राम और कृष्ण इन्हीं तक सीमित हो गए। 600 वर्ष पहले भगवान ने आकर बताया था तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों देवता भी नाशवान हैं और नाशवान की भक्ति करेंगे तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं, हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी परमात्मा की भक्ति कर जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है और गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्य की नहीं करनी, और उसकी भक्ति से आप वो पद प्राप्त करोगे, वो स्थान प्राप्त करोगे कि फिर कभी जरा मरण नहीं होगा, फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आओगे। अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि अर्जुन दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला भी नाशवान तो उसके पुजारी अपने नाशवान, तो वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कि उस परमेश्वर की शरण में जा जो पूर्ण मोक्ष देता है, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने जिस स्थान का कभी नाश ना होता हो, हम उसे सतलोक कहते हैं और गीता में उसको सनातन परम धाम कहा है।
तो सतलोक की प्राप्ति के लिए फिर उसने बताया है कि उस परमात्मा की शरण में जा जो ये मोक्ष तुझे प्राप्त कराएगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान अपनी अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी वो स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ में, तो इन अनुवादकों ने अपनी अज्ञानता के कारण उसका अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया वेद, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकों ने सही किया है, उसका अर्थ किया है ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविदे समर्थ है, उसका अर्थ बनता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पाने के का तीन मंत्र का जाप है ओम तत् सत इति निर्देश है, तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो ब्रह्मणे शब्द का अर्थ सही किया वहां पर इन्होंने, इनकी बुद्धि वहां विचलित नहीं हुई। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है वो ब्रह्मणे कहलाता है यानी ब्रह्म से बड़ा भगवान। ब्रह्म ते गीता ज्ञान दाता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है स्वयं प्रकट होकर वो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान है, उसके अंदर वो परमात्मा के पाने का कंप्लीट कोर्स है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने कह दिया कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाकर समझो, दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है ये नकारा नहीं जा सकता, इनकम्प्लीट है लेकिन यथार्थ है, अधूरा है। जैसे एक तो 5वीं कक्षा का सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, एक 10वीं तक का होता है, तो गीता और वेद ये समझो मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है। 10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं होता, आगे की पढ़ाई के लिए आगे सिलेबस और होता है, और परमेश्वर की वाणी में वो कंप्लीट है प्रथम से लेकर और लास्ट पढ़ाई तक, तो वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपने को ना वेदों की आवश्यकता, ना गीता की, ना पुराणों की, ना कुरान ना बाइबल की, उस क्योंकि वो ज्ञान ऐसा छुप गया हमसे कि उसको तो हमने गलत मान लिया, और जो गलत ज्ञान हमें प्राप्त था उसको हमने सत मान लिया, जबकि हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बनारस में काशी में एक दुलाहे की भूमिका करते हुए और ये ज्ञान भी यथार्थ बोला करते थे, उस ज्ञान के अंदर आज परमात्मा के ज्ञान में ये वेद और गीता वाला ज्ञान पुराणों का जो का तो लिखा है, और जिसकी ऑप्शन छोड़ रखी है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो वो ज्ञान भी है उसमें, तो वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, तो उस ज्ञान को जो ज्ञान हमने रिजेक्ट कर रखा था अज्ञानी संतों ऋषियों की सुनी सुनाई दंत कथाओं से, उस यथार्थ ज्ञान को पहले तो पुराणों से वेदों से कुरान से बाइबल से गीता से आपको ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये ज्ञान
परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज हमारे पवित्र बुक्स में, होली बुक्स के अंदर विद्यमान है, और जो इन में नहीं है वो भी उसमें है। जिसम का ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो तत्व ज्ञान के अंदर विद्यमान है तो वो भी उसमें है। तो इन जो पवित्र इनकम्प्लीट होली बुक्स थी अपने पास, अधूरे सदग्रंथ थे, इनसे तो उस यथार्थ ज्ञान को, कबीर साहब की मुख से बोली वाणी को प्रूव किया है कि उसमें जो लिखा है वो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ था, और आज हमारे सदग्रंथ जो इससे भी पहले के लिखे हुए थे उनमें वही ज्ञान है जो भगवान स्वयं बताया करते थे। जितना उन्होंने बताया उतना इनमें भी मिल रहा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि वो ज्ञान सारा ही सत्य है जो परमात्मा ने बोला था। इस ये तो एक फार्मूला हुआ हमें एक थ्योरेटिकली सिद्ध करने के लिए कि हम सदग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो दूसरा होगा हम एक प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जिसने किया है तो प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी वही होती है जो पहले हमारी अवेलेबल होती है सिलेबस में, उस थ्योरी को ही देखकर हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जिन महापुरुषों ने उसी सिद्धांत से जो प्रैक्टिकल किया उन्होंने भी फिर वही बताया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। और जिस प्रैक्टिकल से यानी जिस साधन से, जिस फार्मूले से उन्होंने परमात्मा को पाया, उनकी अमृत वाणी में वो मंत्र लिखे हुए हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया तो हमारा उद्धार हुआ। ये पूरा अध्यात्म मार्ग इन दो पॉइंटों पर निर्भर करता है। एक तो हम अपने सदग्रंथों को सही मानते हैं, उसमें जो प्रमाण है, फिर हम उन महापुरुषों को भी सत्य मानते हैं, उनकी महिमा आज तक गाते सुनते आए, उनकी वाणी को भी अपने ज्ञान के आधार में लेते रहे सत्संग में, और उन्होंने कैसे भगवान पाया और कैसा बताया, और वही वेदों में मिला और वही परमात्मा की वाणी में मिला। तो इन सब से मिल करके एक निष्कर्ष निकल आता है कि ये तो भगवान है, इसके पाने का ये तरीका है। इसके अतिरिक्त और कोई साधना करते हैं तो वह व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो सदग्रंथों में जो विधि लिखी है भगवान की भक्ति की, उससे हटकर जो अन्य कोई साधना करता है, जाप करता है, कोई क्रिया करता है, तो वह शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है। तो इसे सिद्ध है कि व्यर्थ हुई वो साधना। और हमने कौन सी साधना करनी चाहिए, 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में लिखा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। फिर दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमग कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी माने साधक, जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल
जो आसन करता है ऐसे वैसे अटपट करता है, ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है, ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते, ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है। ये योग जो है भक्ति के लिए एक सहयोगी है, ना कि इसे मोक्ष नहीं है। भक्ति का मेन स्वास्थ्य रखने के लिए, पहले और ये ऐसी वैसी साधनाएं नहीं थी, और विशेषकर ये ऋषि लोग ही जो ज़्यादा समय अपना बैठते थे, साधना करते थे, इनके पास और कोई काम तो था ही नहीं, क्योंकि सदग्रंथों को पढ़ना, जनता को समझाना, एक मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, सारा दिन उसका तो प्रयोग हो जाता है, सारा दिन मेहनत करता, धंधा करता, उसको जरूरत नहीं उस योग करने की, वो तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, खुली हवा में रहता है, सारा दिन काम करता है। ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, या तो साधना गलत करने के उद्देश्य से, साधना की ठीक थी नहीं, इसलिए ज़्यादा हठ योग करके बैठते थे, तो उसके लिए इन्होंने अपना योग साधना करनी अनिवार्य थी, सारा दिन बैठे रहने से शरीर खराब होता है। तो हम इन्हीं को देखकर फिर उसको भी एक साधन मान लिया भक्ति का, योग करना कोई अनिवार्य नहीं है जो मेहनत मजदूरी करते हैं, योग साधना करना कोई पाप नहीं, बुरा नहीं, जिनका बैठने का काम है वो योग कर सकते हैं 10-20 मिनट आध घंटा जैसा समय मिले स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, भगत से संबंधित है, तब तू भगत बनेगा, क्योंकि आप फिर डगमग नहीं हो सकते, इसलिए आपको सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया जाता है। तो उसके लिए हमने अपने मन को रोकने के लिए, दृढ़ तपता करने के लिए, स्थिर रहने के लिए कुछ सहारा चाहिए। उसके लिए हमारे पहले तो आप दास ने बताया कि सदग्रंथ, जो सदग्रंथ हैं जिनको हम आज तक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, प्रथम तो आप जिन्हें वो आधार बनाना है। दूसरे फिर हमारा जो दास आपको प्रमाणित करके दे रहा है कि इससे भी ऊपर हट उठ के एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, जिसमें इन ग्रंथों वाला ज्ञान तो है ही है, और जो इनमें नहीं है, इनमें किसी और से जानने के लिए कहा है, वो भी उसमें है, लेकिन वो भी एक वेद है, सूक्ष्म वेद है। जब इन वेदों को हमारे धर्मगुरु नहीं समझ सके, तो सूक्ष्म वेद को समझना तो बहुत ही दूर की बातें हैं। आप जी के रूबरू दास ने बहुत बार किया है कि वेदों में परमात्मा मनुष्य दृश्य है, साकार है, और वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वो सतलोक में रहता है, और वहाँ पर राजा के समान विराजमान है, और उसके सिंहासन यानी तख्त के ऊपर बैठा है, देखने में राजा के समान है, उसकी सारी शोभा, सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र है, और उनके एक रोम में यानी बाल, रोम बोलते हैं बाल, शरीर के बाल को रोम बोलते हैं, और जहाँ रोम ये बाल उगा है उसको रोम कूप बोलते हैं, यानी बाल कहो ये रोम कूप। तो इसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक बाल की शोभा है, ये वेदों में लिखा है, और यही परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, और यही उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, बताया आँखों देखा जिनको परमात्मा मिले हैं। और वो परमात्मा फिर वहाँ से चलकर आता है, सह शरीर आता है, और तीन प्रकार से वो अपनी लीला करता है, तीन प्रकार के शरीर से, तीन प्रकार की लीला में शरीर बनाकर करता है। एक तो वो ऊपर बैठे रहते हैं, दूसरा जब संसार में आते हैं प्रत्येक युग के अंदर एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहाँ से उनको निसंतान पति पत्नी दंपत्ति उठा ले जाते हैं, वहाँ उनके घर उनकी परवरिश होती है, और भगवान की परवरिश बालावस्था में
कुंवारी गायों से होती है, ऐसा हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये प्रमाण है कि उस नवजात शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, और फिर वो धीरे धीरे लीला में शरीर में बड़ा होते हैं, तो छोटी सी आयु में ही वो परमात्मा बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं ज्ञान में, क्योंकि वो आते ही ज्ञान बताने के लिए। इसी प्रकार लीला करते हुए आज से 600 वर्ष पहले भगवान वो पूर्ण परमात्मा काशी के अंदर बनारस शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे, और लहर तारा तालाब जो है गंगा दरिया के जल से जो वर्षा के दिनों में ओवर फ्लो होकर के गऊ घाटों पर से उतर के एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और सारा साल उसका निर्मल जल रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे, कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए, और नवजात शिशु का रूप बनाकर वहाँ कमल के फूल पर वो विराजमान हो गए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण ऋषि थे, उसमें स्वामी रामानंद एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे वेद और गीता के पुराणों के, तो उनके शिष्य थे अष्टानंद जी। अष्टानंद जी प्रतिदिन उसी सरोवर पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को प्रतिदिन की तरह अष्टानंद भी नहा कर स्नान करके साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से नवजात शिशु रूप में आ रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा तेज था जैसे तारा सा टूटता है। अष्टानंद जी ने देखा कि प्रकाश इतना गजब का प्रकाश किस चीज़ का है, जो ही उसने चरम दृष्टि से देखना चाहा उसकी आंखें बंद होगी, इतना नूर था, इतना तेज था। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य को के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद हमें सूर्य का जो प्रकाश रहित आकार होता है केवल वो दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने ऊपर से आ रहे प्रकाश पुंज को देखा, उसकी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हुई, साइड में कर ली, तो क्या देखा कि उसने एक नवजात शिशु देखा, प्रकाश रहित शरीर उसका, और उसी का वो प्रकाश था। फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में सिमट गया। अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व की बात थी पहले। उसको फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, अपनी आंखों में जरूर उसके प्रतिबिंब बन गया था बच्चे का, वो कुछ देर में समाप्त हो गया। अब उसने सोचा भी ये तो बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य मैंने देखा है, अब भगत साधक को कोई समस्या आती है भक्ति मार्ग में तो अपने गुरु जी से ही समाधान चाहते हैं। अष्टानंद जी अपने गुरु जी के पास चले गए, रामानंद जी के पास, अपनी शंका का समाधान कराने के लिए। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी थे और वेदों के प्राकांड ज्ञाता माने जाते थे, पुराणों के बड़े विद्वान माने जाते थे, गीता उनको कंठस्थ याद थी। अब इन विष्णु जी के जो पुजारी थे वो पंडित स्वामी रामानंद जी, तो आज तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि फिर वो कितनी वेदों को समझा होगा और कितना उसने पुराणों को जाना होगा। फिर भी उस आधार से उस समय वो बड़े विद्वान माने जाते थे और 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। फिर परमात्मा कबीर जी की कृपा होने के बाद उसने 84 और बनाए थे शिष्य, 1484 शिष्य थे रामानंद जी के कुल मिलाकर। तो कहने का भाव यह है कि रामानंद जी से अष्टानंद जी ने जाके
अपने शंका व्यक्त की कि आज मैंने ऐसे ऐसे एक आकाश से आता हुआ प्रकाश पुंज देखा, मेरी आंखें गुरुदेव सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। उसके बाद मैंने प्रकाश रहित एक शिशु देखा, प्रकाश रहित शिशु का रूप की वो प्रतिमा सी बन गई मेरी आंखें आगे, वो देखी मैंने प्रतिबिंब। ये क्या कारण है मालिक, मैं समझ नहीं सका। ये प्रकाश मैंने तो देखा, उसके बाद नवजात शिशु का आकार देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा वैसे भ्रम है? तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ऊपर के लोकों से जब कोई अवतार गण आते हैं उनके ये लक्षण होते हैं, और यहाँ वो किसी काशी में किसी माँ के गर्भ में जन्म प्रवेश करेंगे, 9 महीने के बाद वो फिर बाहर आएंगे। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से ही जन्म लेते हैं, अवतार भी माँ से जन्म लेकर आते हैं। अब गुरु जी जो शंका समाधान कर देते हैं शिष्य के लिए फाइनल होती है। अष्टानंद का शंका समाधान जैसा रामानंद जी ने कराया वो कर दिया। उधर से एक नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहे थे, इसी जन्म में वैसे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से पहले वो शंकर जी के पुजारी होने के नाते शंकर जी की शिव कथा सुना करके वो अपना रोजी रोटी चला रहे थे। फिर ब्राह्मणों ने जब देखा, उन धर्म गुरुओं ने ब्राह्मण जो पहले से ही गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि गौरी शंकर एक निस्वार्थ ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करते थे, किसी को बहकाते नहीं थे, ना श्राद्ध कर्म करते थे, ना किसी को मूर्ख बनाते थे, तुम पर कड़ाई है, इतने पैसे दे दो, इतने कपड़े रख दो, वो केवल भगवान की कथा सुना के अपना जो दक्षिणा आती थी उस दक्षिणा से अपना गुजारा कर रहे थे। फिर मुसलमान और दूसरे जो वो ब्राह्मण थे जो लोगों को ठगते थे, अपना रोजी रोटी चला रहे थे, वो उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि सभी उसके प्रशंसक बन गए थे, जिस कारण से मुसलमानों का दाव लग गया कि इन ये ज़्यादा प्रचार गौरी शंकर कर रहा है हिंदू धर्म का, और क्यों ना इसको मुसलमान बना दें। और दूसरे जो धर्म गुरु हैं जो जनता को बहकाते हैं लड़ने मरने के लिए, वो पहले से इसके विरोधी हैं, वो कुछ करेंगे ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। तो नीरू नीमा गौरी शंकर सरस्वती से उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको फिर नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहते हैं। ऐसे अपभ्रंश गांवों में छोटे नाम बना लेते हैं। तो नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। तो नीरू नीमा नी संतान थे, उम्र 60 के आसपास हो चुकी थी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन फिर भी भगवान शंकर की याद उनको हमेशा बनी रहती थी। तो एक दिन नीमा ने विशेष उसी दिन स्नान कर अरुण को गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, उस घाट पर जहाँ ब्राह्मण नहाते थे गंगा में, तो उनके लिए समस्या आ गई स्नान करने की, प्रतिदिन स्नान करना उनके लिए अनिवार्य था, तो वो भी स्नान करने के लिए प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। जिस दिन परमात्मा वहाँ सतलोक से चलकर आए, कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए, अष्टानंद जी ने उनको देखा, उसके बाद उसी दिन सुबह सुबह उसी वक्त उठकर वो दिल्ली आते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो नीरू नीमा दोनों अपने घर से चलते हैं कुटिया से, तो नीमा को पहले दिन कोई ऐसी संसारिक रिश्तेदार कोई उनके घर आ गई, उसने भी नीमा से पूछा कि आपके कोई संतान नहीं है? तो उसने कहा नहीं संतान नहीं है। तो ये बात चली पड़ती है कि संतान तो होनी चाहिए थी, भगवान या
क्या किया परमात्मा ने आपके साथ। कोई बच्चा है तो संसार में हिस्सा है, नहीं तो ऐसे ही दुखी होकर मर जाना है। ऐसा जन्म हुआ या ना हुआ बराबर है। तो जैसे संसार के विचार ऐसे ही होते हैं, लेकिन परमात्मा के अध्यात्म मार्ग के इसके विपरीत विचार होते हैं। यहाँ जिसके भी कोई संतान है, ये कोई वैसे नहीं है, लड़का है या लड़की है, या नाता रिश्ता कोई जुड़ा है, ये पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्म का आपने किसी का लेना है, किसी का देना है, वो पुत्र पुत्री रूप में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। और जिनके संतान नहीं है वो फ्री हो चुके हैं, उनका कोई अभी किसी से लेना देना शेष नहीं है। यदि उनको भक्ति मिल जाती है वो तो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से, उनको तो देर नहीं लगे। लेकिन हमारे संसार के विचार उनको इतने विचलित कर देते हैं, वो भक्ति तो भूल जाते, एक खीरट लगा लेते, संतान हो संतान हो संतान हो। अब वहाँ संतान भी नहीं हो सकती ऐसे कहने से, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। कहाँ कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की भक्ति परम संत उसके नुमाइंदे से लिए बिना, जैसे इस दास, यह दास आज के दिन विश्व में परमात्मा का वो कृपा पात्र दास है जिसके पास कंप्लीट भक्ति मार्ग है पूर्ण, और जो भगवान सुख देता है परमात्मा इस दास के माध्यम से आपको सारे देगा, जो उसका विधान है। जो इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा आए थे उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भक्ति भी कर रहे हैं और उनके कोई ऐसी आपत्ति है, जैसे संतान के ऊपर बात चल रही है, तो वो वहाँ तो संतान उनको मिलनी ही नहीं, और तो वो रट लगाकर फिर क्या करते हैं, कोई बच्चा गोद लेते हैं किसी का। अब ठीक है, बच्चा गोद ले लिया, बड़ा होकर के बच्चा तो देखो अपना हो चाहे गोद वाला हो, अपने जिनकी संतान है उनको मालूम है, बड़े होकर शादी होने के बाद बच्चे कितना उनके अनुकूल चलते हैं, वो अपने हिसाब से चला करते हैं। तो उसको अंत में जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, अंत में उसका विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, वो फिर बूढ़ा बूढ़िया बाद में बैठ कर रोते हैं कि देखा आज हमसे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारा अपना बच्चा होता तो क्या ये ऐसे करता, यानी फिर उससे भी छक लेंगे, वो लास्ट में उससे भी तंग आ लेंगे। और फिर विशेषकर माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है। अब काल कितना जालिम है, ये कुछ सुख तो दे नहीं सकता, दुख दे सकता पूरा। फिर वो क्या बनती है, वो बहन अगले जन्म में उसको कुतिया का जन्म मिलता है, क्योंकि संतान की भूखी मरी थी, कुतिया बन गई। अब काल मजे लेता है उसके, केले तो संतान पैदा कर कर के छक ले, एक एक आठ आठ, एक एक बात आठ आठ साल में दो दो पूरे कर ले, अपनी कसर काट ले। फिर बनाओगा सूरी, उसने सूरी ले, फिर बारह बारह कट्ठे पैदा कर ले, ये भी तो संतान है, वो किनारी संतान थी। तो वह दुर्गति और मोल ले ली उस बहन ने, वहाँ भक्ति भी नहीं थी और वह संतान भी नहीं मिलनी थी। और यहाँ क्या होगा, भगवान के शरण माने से एक तो ज्ञान होगा, अगर परमात्मा चाहेगा तो आपको संतान भी देगा, भगवान के हाथ में सब कुछ, एक मिनट में हाथ जुड़वा देगा भगवान। लेकिन यहाँ उद्देश्य आपका मोक्ष कराना होना चाहिए, आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए, ना कि केवल ये व्यर्थ की डिमांड ही लेकर बताना परमात्मा आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य मोक्ष कराना, और मोक्ष हो गया तो आपका सदा का झंझट मिटेगा। ये लड़के लड़की संतान तो असंख्यों बार पैदा कर लिए, असंख्यों बार आपके सामने मर लिए, और हाहाकार आपने सौ सौ बार कर ली, तो ये कोई जीवन नहीं है। इसी आशा को लेकर ही केवल सतलोक आसन बरवाला में आना आपका व्यर्थ है।
यहाँ आने के लिए मूल उद्देश्य आप मोक्ष समझो, जो सबसे दुर्लभ वस्तु यहाँ प्राप्त है। उसके साथ साथ परमात्मा चाहेगा कि आपको कोई संतान अपनी देनी है तो दे देगा, उसके बच्चे पाल पोस देंगे, उसकी आत्मा को बड़ी करेंगे, और नहीं देता है तो शुक्र बनाओ दाता का कि आप जो करोगे वो सही करोगे मालिक, और हमें तो ज्ञान नहीं। अपना मोक्ष उद्देश्य रखो, नहीं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी बताई। तो यहाँ पर परमात्मा की शरण में आने के बाद एक तो ज्ञान ऐसा आपको निर्मल मिलेगा, शंका समाप्त हो जाएगी आपकी। असंग जन्म हम जन्म लिए, असंग जन्म हम मृत्यु को प्राप्त हुए, असंग जन्मों में हमारी ना जाने कितनी कितनी संतान वाली संतान परमात्मा देता है, धन्यवाद दाता का। नहीं देता है तो ये समझो कि हमारे ऊपर मेर घणी मन मालिक की, हमारा पीछा छूट जाए इस, क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हो संसार में, संसार में तो आपको 100% 100% लोग उन विचारों के मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वे संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो होना चाहिए था। तो फिर उस बहन के उस भाई के जो संतान नहीं है उनके फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वो फिर प्रेरित तड़फ जाते हैं बच्चों के ही लिए। तो उसके उनके लिए यहाँ आना अनिवार्य है। परमात्मा चाहेगा तो पता नहीं कितनी संतान दे देगा। ऐसे ऐसे भी दास ने देखे जो 50 साल की उम्र होगी थी, 55 साल की, तब उनको संतान दे दी। लेकिन सच्ची लौ देख कर, सच्ची आस्था देख कर कि ये केवल बच्चे बच्चे नहीं, अब ये मोक्ष भी मांग रहे हैं, तब बच्चे देगा आपको। और तुम केवल बच्चे बच्चे मांगोगे कति नहीं दे फिर, क्योंकि आपको नरक में थोड़ा डालना परमात्मा। तो हमने सबसे पहले ज्ञान समझना है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको दिखा दूंगा जिनके 8-8 साल बयान हो गए थे, 20-20 साल हो गए थे, 15-15 वर्ष हो गए थे उनके, आज हाथ जुड़वा दिए दाता ने, कट्ठे दो दो दे दिए एक एक बार। तो कहने का भाव ये है कि जब आपकी आस्था यहाँ हो जाएगी ना, भगवान मंत्र मोक्ष दो, तब देगा आपको। और तुम यही मांगो कि लड़का बच्चा बच्चा हो, और आपने वो नरक में डाला कि अपने मानो बच्चा ऐसी गलती कर दे, जेल में आप भी हो और वो बच्चा भी हो, तो ऐसा परमात्मा थोड़ी फांसी गाल देगा आपके। तो इन बातों को आपने बड़ा ध्यान से विचार करना है जो दास वचन बोल रहा है। और फिर जब सच्चे दिल से आप ये कहो कि परमात्मा मोक्ष हो हमारा, उचित समझो तो दाता आप तो जानी जान है हमारे भविष्य में क्या होना है, आप अपने हिसाब से करियो। जब हृदय से ये पुकार करोगे फिर मालिक आपने सब सुविधाएं जो अनुकूल होंगी देगा। निमा को कोई रिश्तेदार आके, उसकी रिश्तेदार ने उसको ऐसी कथा सुनाती, वह सारी रात करवट लेती रही और मन में एक करट ला रही थी, हे भगवान एक जातक दे देते, हे परमात्मा एक बच्चा दे देते, हे शंकर भगवान के आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई, आप तो महादेव हैं, सर्व सबके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हो। रोती हुई बुरी तरह चल पड़ी अपने पति नीरू के साथ चल पड़ी नीमा। नीरू ने कहा कि नीमा रो मत, वृद्ध अवस्था होती जा रही है, रोने से आंखें भी खराब हो जाएंगी, संतान हमारे है नहीं, कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, तो आंखें और फोड़ देगी। यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर हमें अवश्य प्रदान कर देते, अब हमारे भाग्य में है नहीं तो क्यों बार बार भगवान से याचना करके अपनी आंखें खराब कर रही है। ऐसे कहते कहते वो पहुंच गए वहां पर जहां परमात्मा प्रकट हो चुके थे कमल के फूल पर। वो गए थे स्नान करने के लिए, पहले नीमा स्नान करके आई, अंधेरा था, सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा, जून का महीना यानी 4 बजे के आसपास नीमा स्नान करके सरोवर से बाहर आ गई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश हुआ। जब नीमा जिस वस्त्र को लपेट कर नहा के आई थी उस कपड़े को धोने के लिए पुनः गई किनारे पर,
सरोवर के किनारे पर, तो क्या देखा कि उस समय तक थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होने लगी थी। कमल के फूल पर परमात्मा ने उजात शिशु के रूप में अपने एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कोई वस्तु हिल रही है सामने सरोवर में, और साथ में उसका पति स्नान कर रहा था। उसको शंका हुई कि शायद कोई सर्प है, फन उठाए हुए है। जब उसने ध्यान से देखा तो देखा कि बच्चा है और कमल के फूल पर बालक, छोटा सा नवजात शिशु। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, देखियो कमल के फूल पर एक बच्चा है, इसको उठाइयो नहीं तो डूब जाएगा। अब नीरू स्नान कर रहा है से, तो वो कहने लगा कि नीमा तू कति मेंटल होली, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे। मैंने बहुत बार समझा लिया है, तू छोड़ दे इस आशा को, भगवान पर विश्वास कर। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूँ, देखियो सामने देखो। जब उसने उसकी कसक भरी आवाज़ सुनी नीरू ने, तो जिधर वो संकेत कर रही थी उधर ध्यान गया, तो क्या देखा एक नवजात बच्चा कमल के फूल पर था। उसने कमल समेत तोड़ दिया, फूल के समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा उस बच्चे को लेकर के भगवान की गिफ्ट मान के, उस बोली को क्या पता था भगवान इतनी गोदी में, पर शंकर भगवान का शुक्र मना रही है कि हे शंकर भगवान, आज ही मैंने आपका हृदय से पाप की पुकार की थी और आज ही आपने मुझे लाल दे दिया। हे परमात्मा, सो सो शुक्र है तेरा, और बहुत प्यार करती है अपने बच्चे की तरह, कभी मुंह चूमे कभी लाड करे, माथा चूमे बालक का। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि भी संसार के लोग पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तुम किसी का चुरा कर लाए हो, वो माँ रो रही होगी, इसको वापस दे कर आओ, चलो हमारे साथ, किसका है। वो हमारी पिटाई भी करेंगे, नगर भी छुड़वा देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे, क्योंकि अभी तो हम जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। मुसलमानों में हमारा कोई नाता रिश्ता विशेष नहीं, हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई साथी नहीं। इन सब विचारों से प्रभावित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं रखते हैं, इसी में हमारी खैर है। सारी बात बताई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक को छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूँ, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना एक पल नहीं रहूँगी। तो नीरू ने सोचा कि देख किसी मूर्ख है, कोई मानती नहीं मेरी एक बात भी, या हट करन लगी है, क्योंकि मैं इसकी सारी बात मानता रहा, क्योंकि ये सोच करके इसके बालक नहीं है या दुखी ना हो जाए, इसकी हर एक बात को मैं मानता रहा हूँ आज या जद हो। तो उसने कहा कि तू ऐसी हट करने लगी है, तू मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है नीमा। मैंने आज तक तेरे को कुछ नहीं कहा, किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये घटना हमारे साथ घट सकती है, तो इसने छोड़ दे, नहीं तो तेरा थप्पड़ मारूँगा। ऐसा उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ दुखी होकर के हाथ करना चाहा था, उसी समय परमात्मा नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोदी में बोले कि नीरू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझे घर ले चलो। अब नीरू घबरा गया कि छोटा सा बालक बोलता है, इसमें हो सकता है कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई जंद हो, और नहीं ले जाऊंगा तो यूँ यही मेरा काम कर देगा। तो डर के आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे नीमा उसको लिए भगवान को चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप था मालिक का कि उस समय जुलाहों में ऐसा बच्चा नहीं होता था। तो वहाँ जाकर के जो भी देखे वही के कहाँ से लाए हो के ऐसे कमल के फूल पर मिला है। वो तो भूल भाल के कमल पे फूल पर कहाँ से आ गया, लेकिन उस बच्चे की सुंदरता को देख देख कर हैरान रहने लगे।
कोई कहे तो फरिश्ता है, कोई कहे ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे श्री शंकर भगवान जैसी अच्छी आत्मा है, तो ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। और इसी प्रकार परमात्मा, फिर क्या हुआ कि 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन तक उस मालिक ने कुछ खाया पिया नहीं। अब नीमा रोज चिंतित हो रही है कि बच्चे को चाहिए डेली आधा किलो दूध, एक किलो दूध पीवे, और ये पानी भी ना पीता अब ये मरेगा। एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25वें दिन उसने फाइनल हो गया कि ये कभी भी मर सकता है। और बच्चा परमात्मा ऐसे फल, ऐसे शरीर फल रहा है, ऐसे फूल रहा है जैसे बालक डेली किलो दूध पीता हो, और पी कुछ नहीं रहे फिर भी इतने स्वस्थ, और ऐसे शरीर खूब खिल रहा है, सुंदर है। अब ये तो परमात्मा थे, लेकिन जीव को विश्वास कैसे हो जब तक बालक खावे पीवे नहीं, तो वो कुछ ही मिनटों का मेहमान माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से नीरू और नीमा दोनों चिंतित हो गए। 25वें दिन नीरू गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी ब्राह्मण थे, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। ऐसे कोई दुखी जनता जाती थी तो उसको दूर से बता देते थे समाधान कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा दान कर देना, तुम्हें सुख हो जाएगा। तो नीरू ने जाके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बालक मिला जंगल में, हम नहीं संतान थे, अब वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो रामानंद जी ने कहा कि आपके जो पुत्र है तुझे प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? केसर सिंह मेहरा, ग्राम ब्यूराखाम, काठगोदाम, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले परंपरागत जो साधनाएं होती हैं, जैसे शिवरात्रि पर व्रत रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शेरावाली माता के भजन गाना, कीर्तन भजन करना और उनके व्रत रखना, और हनुमान जी की जो हनुमान जी के भी बहुत व्रत रखे, और इस प्रकार की साधनाएं करते रहे, और जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन गाना, रात रात भर जगना, उनके भजन कीर्तन गाना, इस प्रकार से बचपन से ही ये साधना किया करता था। इसके बाद में 28 फरवरी 1983 को सतपाल महाराज जी से मैंने नामदान लिया महाशिवरात्रि के दिन। उस साधना को मैंने जो है 30 वर्ष तक उस साधना को मैंने उनके बताए हुए उन मंत्रों को उनको मैंने साधना की। सर आपने बताया कि आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पहले भक्ति साधना करते थे तथा उसके बाद सतपाल जी महाराज की शरण में गए, तो आपको इन सभी भक्ति साधनाओं से क्या क्या लाभ हुए? जी मुझे इन भक्ति साधनाओं तो कोई विशेष लाभ तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा बचपन से ही ऐसा होता था कि मैं कहीं कीर्तन हो जाए, भजन हो जाए, जागरण हो जाए, मेरी आत्मा रुक नहीं पाती थी, मैं मेरे पैर स्वतः उस तरफ को बढ़ जाते थे, भजन कीर्तन गाता था और काफ़ी साधनाएं किया करता था, लेकिन पूर्ण शांति मिल नहीं पा रही थी। उसके बाद में फिर मैं सतपाल महाराज की शरण में गया, वहाँ भी मुझे पूर्ण शांति नहीं मिली, अनेकों प्रश्न उठते रहे, और मैंने वो साधना लगभग 30 वर्ष तक की। सर आपने बताया कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भक्ति करते थे, फिर आप सतपाल जी महाराज की शरण में गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे भी सर एक कहानी है कि मैं पेशे से ऑटो चलाता हूँ, और ऑटो में एक दिन मैं बैठा हुआ था, एक महात्मा जी बैठे उस ऑटो में पैसेंजर बन करके, तो उनसे मेरी कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी, तभी उसी ऑटो में एक भगत जी बैठे थे, रामपाल जी महाराज के भक्त थे, वो MSc थे और नरेंद्र उनका नाम था, वो बैठे थे, तो उनसे मेरी चर्चा चल रही थी, बीच में टोक दिया उन्होंने, वो बोले भाई
किस बारे में बात चल रही है, आत्मज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में। बोले क्या, उन्होंने कहा क्या इस ब्रह्मांड में कोई तत्वधारी संत है क्या इस समय? मैंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी भक्ति पर, अपने गुरु पर बहुत अभिमान था, कुछ शास्त्रीय ज्ञान अवश्य था और हम उसी को घोटा करते थे। तो उस लड़के ने मुझसे दो चार क्वेश्चन किए। उसने कहा ये संसार किसने बनाया, कितने दिन में ये दुनिया बनी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो और ये संसार को कहते हैं एक भगवान है, एक परमात्मा है, वो परमात्मा कौन है। ये सब बातें जब उन्होंने मुझसे कही तो मेरे पास में उसको संतुष्ट करने के लिए कोई उत्तर ना था। मैं बड़ा आघात पहुंचा। पहली बार मुझे ऐसा लगा एक छोटे से बच्चे ने मुझे, मतलब मेरे अहंकार को हिला के रख दिया और उसका मेरे पास में कोई उत्तर ना था। तभी कुछ समय बाद मुझे, मतलब मुझे एक पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पुस्तक को पढ़ के मुझे इतना आनंद आया और आँखों में आंसू भरे आए, सारी रात में सो ना सका। और मुझे ऐसा लगा हे परमात्मा कि आप कहाँ खोए हुए थे, तो मुझे इतना, मतलब मेरे बेचैन कर दिया। और मैंने उसमें एड्रेस देखा, भगत जी से कहा मैंने, भगत जी मुझे इस संत का एड्रेस बता दो, उसका पता बता दो। तो हम जिस प्रकार से हम वहाँ पर पहुँचे बरवाला में, जब अंदर गए तो हमने वहाँ ऐसी व्यवस्था देखी, इतना आनंद आया, हमें भोजन पानी मिला। उसके बाद में हमने संत रामपाल जी महाराज से 27 जुलाई 2013 को नामदान लिया। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में उनकी बताई हुई भक्ति करने से मुझे कई लाभ हुए हैं। एक लाभ तो मुझे ये हुआ कि मैं, मेरे कान में अचानक मवाद आया और दर्द होने रहने लगा, और मैं डॉक्टर के पास में गया, बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी में गया, पर्चा बनाया, दिखाया। डॉक्टर ने कहा आपके कान का पर्दा फट चुका है, उस कान से मुझे सुनाई भी नहीं देता था और कई समय तक, महीनों तक सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने, उन दिनों बरसात का सीज़न था, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे कान का ऑपरेशन होगा। तो मैं चला आया, बोले बरसात के बाद आना। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि उन मंत्रों को जपने से, मतलब इतनी शक्ति है उन मंत्रों में, उन मंत्रों के जपने मात्र से ही, बिना दवा के ही, उनकी दया से मेरा जो है कान का पर्दा अपने आप ठीक हो गया और मैं उस कान से सुनने लगा। आज मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। एक लाभ मेरे साथ और हुआ सर, वो लाभ ये हुआ कि एक ज़मीन और थी हमारी, उसका बंटवारा होना था, भाई ने बेमानी करी, उसमें नहीं कर पाए बंटवारा उसका। उन्होंने बोला ये मेरी ज़मीन है, मैंने खरीदी है, तो मतलब इस तरह से। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी से, दूसरी ज़मीन का भी बंटवारा होना था, मकान का बंटवारा होना था, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मेरे संग धोखा किया था, तो मुझे लग रहा था इसमें भी ये धोखा करेंगे, इसलिए मैंने गुरु महाराज जी से, रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने प्रार्थना लगाई और वहाँ से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। और उसका मेरे को ऐसा परिणाम हुआ कि उसका दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल मुझे उचित न्याय मिला, पूर्ण मतलब न्याय मिला मुझे, मैं उनका आभारी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं जन समुदाय को संदेश तो क्या दूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो लोग भी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि तत्वदर्शी संत पूर्ण कबीर साहब के अवतार इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में आ चुके हैं और जल्द ही वो सतयुग इस धरती पर ला रहे हैं। और मेरी ये मतलब प्रार्थना है कि जल्दी आओ, कहा कि वेग विलंब मत कीजिए, लीजिए सद उपदेश, कि देर मत करो वरना फिर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी आओ और सदगुरु रामपाल जी का अनमोल ज्ञान लेकर के अपनी आत्मा की प्यास को बुझाओ, अपना भला करो, अपना कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए
विभिन्न चैनलों में सदगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं और आप लोग उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मतलब जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप भारतवर्ष के हर जगह, हर प्रांत में, हर शहरों में नामदान केंद्र बने हुए हैं मालिक की दया से, गुरु महाराज की दया से, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।